हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जिसकी प्रश्नावली 13.1 हम स्टार्ट कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th को डिस्कस करने वाले हैं। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? पहले पार्ट में तो ये पूछा है। मैंने यहां पर घन और घनाभ दोनों के चित्र पहले से बना के रख दिए। तो जो घन है उसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। इसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है। जो घनाभ है उसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसमें जो चीज निकालने के लिए कहा है वो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका दूसरा नाम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब पार्श्व या फिर वक्र का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम घन का, जो वक्र भी बोल सकते हो, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब होता है कि जो आपकी छत है और जो फर्श है इसका क्षेत्रफल को इंक्लूड नहीं करना है, इसके क्षेत्रफल नहीं लेने हैं। बाकी की जो चार दीवारें होंगी उन चार दीवारों का क्षेत्रफल आपने लेना है, जो कि घन के केस में होता है 4a². तो ए हमारे पास 10 है तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 4 × 100 तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमने घन का निकाल लिया, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है हमारे पास। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद निकालना है हमने घनाभ। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2HL+B। असल में जैसे घनाभ है ना, घनाभ का भी जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसमें भी छत और फर्श वाले हिस्से को हम लेते नहीं है, तो बाकी की जो चार दीवारें होती है ना, उन चार दीवारों के क्षेत्रफल को जोड़कर जो बनता है उसी को कहते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है आपका 2LH+2BH, ये होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब हम इसमें से 2H बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर बचता है L+B। तो ये नहीं करना चाहते हो डायरेक्टली, ये फॉर्मूला भी लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 2×H। अब H देखिए कितना है यहाँ पर, H देखो 8 है, मैंने पहले से लिख के दिखा रखा है आपको। तो ये तो हो गया 8। L कितना है हमारे पास? ये है 12.5। B कितना है हमारे पास? ये है 10। ठीक है, तो 2 को अगर 8 से गुणा करो तो ये तो 16 आ गया है ना, और 12 में अगर 10 जोड़ोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5। तो अगर अब इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा है? किसका आ रहा है? घन का। ठीक है, तो कितना ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? अंतर। अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर निकालने के लिए घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से माइनस करेंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का तो आ रखा है 400 और घनाभ का हमने निकाला है 360, तो
अंतर आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो पहले पार्ट में तो इतना करने के लिए कहा था आपको इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो अब हम आते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का मतलब 6 गुणा भुजा का वर्ग, ऐसे भी बोल सकते हो। तो 6 तो आपके पास है, घन की भुजा दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 6 गुणा 100, तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2lb + 2bh + 2lh, ठीक है। तो अब सारे मानों को रखते हैं, पहले ये मैं 2 रख लेता हूं यहां पर, गुणा फिर l, आपको पहले से ऊपर पता होना चाहिए एल कितना है। देखो मैंने यहां पर दिखा रखा है, एल है 12.5, एल है, एल की जगह लिखेंगे हम 12.5, बी की जगह लिखेंगे 10। अब इसकी बात फिर से, 2 की जगह लिखेंगे 2, बी की जगह लिखेंगे 10, एच की जगह लिखेंगे 8, 2 की जगह लिखेंगे 2, एल की जगह लिखेंगे 12.5 और H की जगह लिखेंगे हम 8। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों को अगर हम गुणा करें, आप भी अपने तरीके से करके देखेंगे, तो ये 250 आ रहा है, ठीक है। आप भी अपनी तरह से करके देखें इसको, प्लस इन तीनों को हम यहां पर करेंगे तो 160 आ रहा है, ठीक हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इनको करेंगे तीनों को तो शायद 200 आ रहा है, तो आप भी अपने तरीके से करके देखेंगे, मैं तो डायरेक्टली करके देखूंगा। अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो 200, 300, 400, 500, ये 610 आ रहा है, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो किसका ज्यादा आ रहा है, देखो ऊपर हमने घन का निकाला था तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, और घनाभ का निकाला तो ये आ रहा है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है किसके पास कम है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पास ना, तो कितना कम है। तो अंतर के लिए, अंतर हम लिखेंगे, अंतर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का तो हमने निकाल लिया 610, घन का हमने निकाला 600, माइनस कर रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब घनाभ के पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा क्षेत्रफल है घन के मुकाबले, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, घन के पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम क्षेत्रफल है घनाभ के मुकाबले। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।